हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम मेडिकल। सो आज मैं आपको बताऊंगा वाइटल्स मॉनिटर का एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे हम इजीली वाइटल्स असेस कर सकते हैं। इसे हम वाइटल्स मॉनिटर या कार्डियक मॉनिटर, आल्सो नोन एज मल्टी पैरा मॉनिटर भी कहते हैं। सो मल्टी पैरा मॉनिटर इसलिए क्योंकि ये एक मशीन जिससे कि हम बीपी, SpO2, रेस्पिरेशन, पल्स और ECG इजीली असेस कर सकते हैं पेशेंट का सिचुएशन और कंडीशन क्या है। ऑल्सो ये इसलिए बेनिफिशियल है कि पेशेंट अगर क्रिटिकल सिचुएशन में हो, ICU में हो, एमरजेंसी में हो, सो उस समय हम अगर मैनुअली जाके पेशेंट का बीपी असेस करें, वाइटल्स लें, तो थोड़ी इरिटेशन फील होगी और एग्जैक्ट हमें वाइटल्स भी नहीं कलेक्ट होगा हो पाएगा। सो इसमें क्या है कि हम एक टाइमिंग सेट करते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में ये मशीन ऑटोमेटिकली 15 मिनट, 30 मिनट या जितना का भी हम टाइम सेट करेंगे उतना में ये वाइटल्स असेस करके हमें इस डिस्प्ले पे बता देगा। इससे हमें मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में या डॉक्टर या फिजिशियन या जनरल फिजिशियन, उनको ये हम इस पेशेंट के वाइटल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने में इजी होता है एज ए नर्सिंग असिस्टेंट या एज ए मेडिकल वर्कर। सो इससे हम पेशेंट के सिचुएशन के बारे में इजीली असेस कर सकते हैं क्रिटिकल समय में भी या एमरजेंसी समय में, एमरजेंसी सिचुएशन में। ये इसलिए बेनिफिशियल है, अगर हम इसमें ECG इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो हम पेशेंट का ECG भी इससे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो अगर इस के बारे में आपको होल वीडियो चाहिए, इसे कैसे असेस कर सकते हैं, तो वो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वो बहुत पहले की वीडियो है, आप उसमें जाकर देख लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।